दोस्तों, अगर आप व्हाट्सएप पर चैट देखना चाहते हो या फिर दोस्तों आप सभी को पता है कि व्हाट्सएप हैक हो जाता है। दोस्तों ये सब कुछ अब आसान हो गया है। दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर ऐसे ऐसे फीचर आ गए, सिर्फ आप 1 सेकंड के अंदर आप कर दीजिए और चैट आपके मोबाइल के अंदर, और उसके बाद दोस्तों आप आसानी से देख सकते हो, वो भी अपने मोबाइल के अंदर लाइव प्रूफ। आज दोस्तों मैं आज आपको कमाल का एक ऐसा फीचर बताऊंगा जो दोस्तों न तो आपको OTP की जरूरत पड़ेगी, न दोस्तों आपको QR कोड की जरूरत पड़ेगी, कुछ भी जरूरत दोस्तों आपको नहीं पड़ेगी, कुछ भी ज़्यादा आपको पापड़ बेलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों आपकी गर्लफ्रेंड है, आपका बॉयफ्रेंड आपसे दूर रहता ना, आपको डाउट है, तो दोस्तों आप 1 मिनट के अंदर आप क्लियर कर सकते हो। इस तरह के व्हाट्सएप के अंदर न्यू अपडेट आ गए हैं जो बड़े ही कमाल के दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं कर फॉलो करें। दोस्तों आप सभी लोगों के कमेंट आते हैं कि गर्लफ्रेंड की व्हाट्सएप की चैट देखनी, बॉयफ्रेंड की, या आप व्हाट्सएप चलाना चाहते हो, व्हाट्सएप हैक हो गया, कई प्रॉब्लम आती है अलग अलग। परंतु दोस्तों व्हाट्सएप के अंदर एक न्यू अपडेट आ गई है, केवल आपको मोबाइल नंबर पता होना चाहिए। मोबाइल नंबर अगर आपको पता है तो दोस्तों आप व्हाट्सएप की चैट अपने मोबाइल के अंदर, व्हाट्सएप आपके मोबाइल के अंदर चलेगा और दोस्तों किसी को पता तक ही नहीं चलेगा। आपके व्हाट्सएप पर किसी को वीडियो कॉल करेंगे, किसी को चैट करेंगे, तो सब कुछ दोस्तों आपके मोबाइल के अंदर। अब दोस्तों देखिए, सबसे पहले जब आप व्हाट्सएप को अपडेट करना, अपडेट करने के बाद में दोस्तों आप व्हाट्सएप को ओपन करना, ओपन करने के बाद में ऊपर आपको 3 डॉट का जो आइकॉन दिखाई दे रहा है इस पर आपको क्लिक करना। क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ लिंकिंग डिवाइस वाला ऑप्शन आप सभी को पता है, परंतु यहाँ लिंकिंग डिवाइस वाले ऑप्शन के अंदर एक न्यू अपडेट आई है। वो अपडेट क्या है, उस अपडेट के बारे में अवश्य समझने की कोशिश करना। यहाँ दोस्तों देखिए लिंकिंग डिवाइस वाला, अगर यहाँ कोई विंडो आ रहा है तो इसका मतलब आपका मोबाइल किसी व्हाट्सएप किसी डिवाइस के अंदर चल रहा है। जैसे लिंकिंग डिवाइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप वेरीफाई करोगे तो दोस्तों देखिए यहाँ आपको एक न्यू अपडेट देखने को मिलेगी, लिंकिंग विथ फोन नंबर स्टैंड। अब इसका मतलब क्या है, दो अपडेट आएगी, दोनों बताऊंगा। यहाँ देखिए इस पर मैं क्या कर देता हूँ, लिंकिंग विथ फोन नंबर स्टैंड, इस पर जैसे क्लिक करूंगा तो दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने आ जाएगा जहाँ 8 डिजिटल कोड मांग रहे। अब ये कोड कहाँ से जनरेट होंगे, कैसे होंगे, ये दोस्तों सबसे बड़ी बात है। अब दोस्तों देखिए यहाँ कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक कोड है, वो कोड कहाँ से जनरेट होगा वो भी मैं आपको आगे चल के बता रहा हूँ। एक और अपडेट आई है उसके बारे में भी बता दूँ। इस तरह दोस्तों ये है। नेक्स्ट आपको क्या करना, दोबारा आप 3 डॉट पर क्लिक करोगे तो यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा सेटिंग का। सेटिंग वाले आइकॉन पर क्लिक करोगे दोस्तों यहाँ आपको ऑप्शन मिलेगा चैट का। चैट अगर देखना चाहते हो तो दोस्तों चैट वाले ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो दोस्तों यहाँ देखिए नीचे पहले आपको 2 ऑप्शन मिलते थे, परंतु अब आपको एक न्यू ऑप्शन देखने को मिलता है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट चैट। अब ये ट्रांसपोर्ट चैट क्या है, ये दोस्तों इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये ट्रांसपोर्ट चैट हिस्ट्री टू एंड्रॉयड फोन। अब दोस्तों आप बिना कुछ किए पुराने मोबाइल से न्यू मोबाइल के अंदर ले सकते हो, वो कैसे लेना वो भी आपको बताऊंगा। जैसे स्टार्ट पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों ये नेक्स्ट पेज में ले आएगा, और दोस्तों देखिए यहाँ QR कोड मांग रहा है, परंतु दोस्तों ऊपर क्या लिखा हुआ है, डाउनलोड व्हाट्सएप योर न्यू फोन, रजिस्ट्रेशन विथ द सेम फोन नंबर, यूज द दिस फोन स्क्रैन QR कोड। आपको एक व्हाट्सएप डाउनलोड करना है न्यू मोबाइल के अंदर, और उसके बाद सेम नंबर से रजिस्ट्रेशन करना, उसके बाद QR कोड से स्कैन कर देना, पुराने मोबाइल के अंदर जितनी भी व्हाट्सएप की चैट है वो न्यू मोबाइल में आ जाएगी। और दोस्तों पहले मैंने आपको लिंकिंग डिवाइस वाला जो ऑप्शन बताया था, अब ये समझिए ये जो स्टैंड वाला जो न्यू आया है ये है 8 डिजिटल कोड मांग रहा है, ये कोड दरअसल क्या है। दोस्तों आप जब भी अपने व्हाट्सएप को सिक्योर करना चाहते हो या फिर आप व्हाट्सएप की चैट देखना चाहते हो आपकी गर्लफ्रेंड बॉय, तो दोस्तों आप सभी को पता है कि आपके मोबाइल के अंदर एक क्राउन है। क्राउन पर जैसे क्लिक करके व्हाट्सएप वेब की साइट खोलोगे तो वहाँ दोस्तों अब आपको सीधे मोबाइल नंबर डालने की ऑप्शन मिलेगा, और मोबाइल नंबर जैसे डालोगे तो वहाँ से एक कोड जनरेट होगा और वो कोड यहाँ आके फिल हो जाएगा और दोस्तों व्हाट्सएप चालू हो जाएगा 1 सेकेंड के अंदर, आपको पता ही नहीं चल। तो दोस्तों इस तरह की व्हाट्सएप के अंदर न्यू अपडेट आ गए जिससे व्हाट्सएप हैक हो जाता है, चैट देख सकते हो परंतु किसी को पता ही नहीं चलता है। दोस्तों इस फ्यूचर के बारे में आपकी क्या राय है, फीडबैक कमेंट सेक्शन जरूर देना, मेरे को दीजिए। मिलता हूँ एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।